इस वक्त तो बहुत बढ़िया चल रही है क्योंकि अब रात को जा रही हूँ बच्चों के पास, तो मजा आ रहा है। बच्चों से पहली बार मिलने वाले हो लाइक? हाँ, उस काफी दिन बाद मिलने जा रही हूँ बच्चों से। बहुत मिस किया, पर हाँ थोड़ा बहुत वहां पर मिस किया, थोड़ा बहुत नहीं किया क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी कि वहां ज्यादा दिमाग में चीजें नहीं आ रही थी, तो जब भी खाली टाइम लगा तो बहुत मिस किया। बहुत छोटी सी जर्नी रही आपकी बिग बॉस की, जितना भी था आपके लिए बहुत ही अच्छा काम भी था, बहुत ही बहुत सारी बातें हुई आपके बारे में, तो बताइए कि कैसी रही है जर्नी बिग बॉस की, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बिग बॉस के घर में आप गई थी तो पहले तो ये जानना चाहिए कैसी रही आपकी बिग बॉस की जर्नी। अच्छा, जर्नी एक्चुअली मैं सच बोलूं छोटी नहीं बोल सकती हूँ, वो छोटी मेरी जिंदगी की शुरुआत थी, बट आगे के लिए मेरी बहुत लंबी जर्नी शुरू हो गई है। सो आई एम हैप्पी कि वहाँ से निकलने के बाद लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, एक पॉजिटिव सोच आई है लोगों के लिए दिमाग में मेरे लिए, सो मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत ये भी रहा है। पर हाँ, तकलीफ तो वहाँ थोड़ी चीज़ों को लेके थी, जैसे कि मेरी पूजा भट्ट जी को लेके बात हुई है या चीज़ों को, तो वो उन्होंने बहुत छोटी चीज़ों को लेके मुझे जलील किया, तो वो मैं नहीं समझ पाई कि एक औरत किसी को कितना जलील कर सकती है इतना छोटी सी बात को लेके, जबकि मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। उन्होंने मेरा एक पहलू देखा कि मेरा वो सैनिटरी पैड बाथरूम में छूट गया, उन्होंने बाकी पहलू देखे ही नहीं कि आलिया ने कभी उनको डिस्टर्ब नहीं किया, कभी बदतमीजी नहीं किया, जो भी चीज़ लगी मुँह पे उनके मैंने बोला कि आप गलत चीज़ का साथ दे रहे हो, मैंने कभी उनकी पर्सनल लाइफ या उनकी चीज़ों पर अटैक कभी नहीं किया, तो आई थिंक वो थोड़े लिए मेरे लिए झटका था। देखिए, मैं बिग बॉस के टाइम पे जब मेरा निकलने का वक्त था तब मुझे पता चला उनके अंदर इतनी नफरत है मुझे लेके, क्योंकि जब मैंने झाड़ू लगा के बाथरूम साफ किया और उनको बोला सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं सच में गलती होगी कि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है ये कि है नेचर है सबका होता, बिल्कुल भूल जाता आदमी, क्योंकि जिसको इम्पोर्टेंस नहीं देता चीज़ों को, तो मेरे लिए इतना बड़ा नहीं है कि यार ठीक है हो गई गलती, और मैंने सॉरी बोल के पूरा बाथरूम को साफ किया, झाड़ू लगाया, सर्फ से धोया, और मैं खुद इतना हाइजीनिक रहने वाली लड़की हूँ, उस घर को भी इतना साफ रखती हूँ, जब भी मुझे जो चीज़ सही कहीं सेट गलत दिख रहा है तो मैं उठा के सब चीज़ें रख देती हूँ। बट जब उन्होंने लास्ट में जब बोला कि इसकी तो इंटेंशन ऐसी थी, ये नीच हरकत की है इन्होंने, सो मैं बहुत बहुत तकलीफ में थी कि यार आप गेम तक ठीक ठीक था, बट आप जलील मत करो किसी को इतना कि उसकी एक छोटी सी गलती, वो भी सैनिटरी पैड, जो कि मैं और आप मॉडर्न हम बात कर सकते हैं, जो लोग देख रहे हैं गांव में, जिनके पेरेंट्स देख रहे हो, जो मेरी सिस्टर देख रही हो, वो इतने मॉडर्न नहीं है, उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात आएगी जब भाई बहन के साथ देखेंगे, तो आई थिंक वो थोड़ी गरिमा रखनी चाहिए उनको इस चीज़ पे। और जैसे मैं मेल बाथरूम में चली गई नहाने, मेरे दिमाग से स्लिप हो जाता है कि मेल कौन सा, आप मेल में लगा के रखे इन्होंने कुछ और, फीमेल का अलग लगा के रखे, तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी बाथरूम में, सो वो थोड़ा दिमाग से स्लिप हो गया था मेरे। ये जो सैनिटरी पैड के अलावा जितने भी टॉपिक थे, मुद्दे थे, आपने पूरा उसके बाद सब साफ किया, किचन भी साफ, ये सब उन्होंने नहीं देखा? वही तो मैं कह रही कि उन्होंने सब मेरा जितनी अच्छी चीजें थी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, कुछ रिस्पेक्ट वो बोलती भी थी, हालांकि फलक भी जब पहली बार कैप्टनशिप में गई तो उन्होंने बोला आलिया बहुत इमोशनल है, आलिया बहुत केयरिंग है, बहुत दिल की साफ है, बहुत हमारा ख्याल रखी है, आई थिंक आप लोग ने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, बट ये आप एक तरफ बात आप लोग कर रहे हो कि आप बहुत इमोशनल भी है, फिर एक तरफ आप मुझे बोलते हो कि आपको मैं समझ नहीं पाई, फिर एक तरफ आप बोल रहे हो कि इसके दिल में बहुत सारी चीजें हैं जो ये खुल के नहीं बात करे, है मेरे अंदर गुस्सा है, फटूंगी तो मैं अच्छे से फट जाऊंगी, बट मुझे मैं गरिमा में फट सकती हूँ, मैं नीची हरकत करके नहीं फट सकती हूँ, ये ना एक टाइम लेती हूँ कि ठीक है यार आप बहुत उंगली कर रहे हो, जब मुझे बहुत तकलीफ हो रही तभी मैं चीखे निकलेगी मेरी, अननेसेसरी मैं नहीं चिल्ला सकती हूँ। सो उनको मैंने एक ही बात बोला कि मुझे आप इस चीज़ गलत चीज़ का साथ दे रहे हो तो शायद मैं आपका साथ नहीं दे रही हूँ, तो इसी चीज़ में उनको लगा कि आलिया का एक्चुअल रूप आया, तो भाई तो मैं पहले दिन से ऐसी थी, पहले दिन भी मैंने ये बोला कि बेबी का मैं प्रॉब्लम है आप साथ दे रहे हैं। दाल चावल खाया, बहुत मज़ेदार खाना था, बहुत भूख लगी थी। आपने बनाया था? नहीं नहीं नहीं, वो मेरी फ्रेंड की मेड ने बनाया। या बिग बॉस में ऐसा कुछ फेवरेट ऐसे कुछ डिश बना के आपने कभी लाइक की?
बिग बॉस में मेरी एक कला बहुत अच्छी थी, जो मुझे पता है कि खाना कैसे मैनेज करना है। तो सब लोग कोई हाथ नहीं लगाता था जब तक मैं उनको खाना परोस के ना दूं। तो मैं एक बार खाना देख लूं कि हाँ इतनी क्वांटिटी में है और इतने चम्मच निकलेंगे तो इतना डिवाइड करूंगी। सो वो मेरे अंदर कला है। सो सब लोग बोलते थे भाई तुम ही दो खाना कि हम ज्यादा ले लेंगे। तो फिर किसी के हिस्से में कभी कभी खाना नहीं आता था, जैसे लास्ट में कई बार मुझे सब्जी नहीं मिलती है। सो बहुत बार ऐसा हुआ है। तो उस चीज़ को मैं बहुत बड़ा नहीं बोलूंगी, ठीक है, आदमी को नहीं समझ में आता है। सो खाना बनाना, निकाल के देना, वो सब मुझे मजा आता था। खिलाना मुझे बहुत मजा आता है। सब आपका काम है ये तो, भूखे को खाना खिलाना। लड़ाई होती तो वो पार्ट तो मैंने संभाल लिया था, मैंने डोंट वरी वो सब के लिए मैं हूँ। तो आपके अनुसार जितने भी टाइम आती है सबसे ज्यादा भूखा कौन है कि यार ये हमेशा आप रहना है कैसे? भूखे तो देखिए सारे होते हैं, पर कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं। मुझे भी अच्छा खासा भूख लगती थी, हमने भी एक एक कटोरी खाया। बट कुछ लोग नहीं कंट्रोल कर पाते, जैसे साइरस जी हैं, वो तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। अभी का भी लगा मुझे, अभी भी बहुत ज़्यादा खाने को लेके है उसके दिमाग में। और जैद का तो एक अलग कल्चर से आया तो उसको तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, उसका फूड ही अलग। मतलब उसको चिकन चाहिए, स्पाइसी नहीं चाहिए, तो बहुत सारे खाने बनाने पड़ते थे। मतलब एक का चिकन में एक को स्पाइसी चाहिए, एक को स्पाइसी नहीं चाहिए, एक को ये नहीं सब्जी चाहिए। तो उतनी कम चीज़ों को अलग अलग टाइप का बनाना बड़ा टास्क था, पर मज़ा भी आता था। नहीं आकांक्षा से मेरी कोई पर्सनली ऐसी कुछ है नहीं, तो मैं क्यों नाम लूँ। जितना भी वक्त गुजारा अच्छा गुजारा, तो मेरे साथ रह के जब मेरे साथ कोई बुरा या ऐसा कुछ बात नहीं किया, हमेशा वो रिस्पेक्ट देती थी मुझे, आलिया जी बोलती थी। सो कहीं मुझे ऐसा नहीं नजर आया कि वो कुछ बुराई है उनमें, तो मैं क्यों बेवजह किसी को बोलूं। हाँ किसकी वजह से ऐसी ऐसी, मैं उस चीज़ को गलत नहीं बोलूंगी, क्योंकि देखिए वो टास्क था, टास्क की तरीके से उन्होंने लिया। क्योंकि बिग बॉस की जगह ऐसी सिचुएशन थी कि आदमी को सरवाइव करना है कुछ भी करके, चाहे भूखे रह के चीजें करके। यदि शायद वो टास्क ना लेती और वो चीज नहीं जीतती तो उनकी टीम पे प्रॉब्लम आ सकती थी, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। आई थिंक उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो सही हो सकता, बट ऑडियंस जो देख रहे थे वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उनको भी नहीं पता था ना कि ये टास्क में ऐसा कुछ आ जाएगा। तो कोई इंटेंशन से ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये चीज हुई है, पर ये घटना थी, घट चुकी है, तो इसको मुझे लगता भूल जाना चाहिए आई थिंक। पसंद नहीं आनी, नहीं पसंद की तो बात तब की है जब मैं उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारूंगी तो शायद वो जानेंगे मेरे बारे में। बट इस वक्त मैं ये बोल सकती हूँ कि उन्होंने जो डिसीजन, मतलब जो बात मुझे बोला, वो आई थिंक सब पे लागू होती है। पर्सनल बात करना गलत है, आई एग्री, मैंने सॉरी बोला, बट पर्सनल बात तो हर शख्स वहां कर रहा था, तो पर्टिकुलर मुझे टारगेट किया। स्पेशली पूजा जी ने जैसे कहा विक्टिम कार्ड खेलते हो आप, तो विक्टिम कार्ड में वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। सो सबसे बड़ी बात तो यही दिख रहा है कि आप क्यों चिल्ला रही हो, बाहर पर्सनल बात करना ही नहीं, आप किसकी बीवी हो, किसकी बेटी हो। तो अब देखते हैं सलमान जी का आगे वीकेंड में कि क्या उनका कहना होगा, नजरिया उनका क्या है इस चीज को लेके। तो आई थिंक मुझे लगता है जो भी चीज है ना सबके लिए एक ही चीज होनी चाहिए। बस मुझे यही कहना है, बस और कुछ नहीं। घर से अब आप बाहर आ गई हैं तो मैंने सुना है कि बहुत सारी चीजों पर आप काम पे अपना ध्यान दे रही हैं। हाँ जी हाँ जी। प्रोडक्शन का भी कुछ है आपका, तो जरा कुछ बता सकते हैं क्या? फिलहाल तो मैंने एक होली का फिल्म प्रोड्यूस किया है जो कि अमेजोन प्राइम पे रिलीज कर चुकी हूँ। और दूसरी फिल्म है तिजन बाई, पांडवानी सिंगर है, इन्होंने पद्मश्री पद्म विभूषण बड़े बड़े अवार्ड लिए हैं, जिनके राइट मैंने लिए हैं। जो फिल्म के इंडस्ट्री के ए लिस्टर डायरेक्टर के साथ मैं काम करने वाली हूँ। अभी नाम ओपन नहीं करूंगी बिकॉज हम लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट हमारा होने वाला है। सेकंड चीज़ मैं एक्टिंग में भी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑफकोर्स सर्वाइव करना है। अब जिंदगी मेरी बहुत लंबी है, मुझे आगे जीना है। सो मुझे अपना कुछ काम करना है, क्योंकि मैं नवाज से कुछ अभी उम्मीद नहीं कर रही हूँ कि वो मुझे क्या देंगे। जो मैंने उम्मीद किया है वो छोटी सी उम्मीद है मेरी, बाकी मैं किसी और शख्स को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने वाली हूँ कि मेरी लाइफ में कोई सेकंड चीज़ें हैं कि मैं किसी के भरोसे जीऊँ। सो वो मेरे थॉट है नहीं, मुझे जो करना है वो खुद करना है। तो उसके लिए मुझे सर्वाइव करना है, अपनी ज़िंदगी जीना है, बेहतर तरीके से जीना है। मेरी एनजीओ है, जो मेरे अपने 40 बच्चे हैं उनकी
उनके लिए मुझे काम करना है और उसके अलावा बढ़ते जाना है, तो मुझे बहुत कुछ करना भी जिंदगी में, तो अभी शुरुआत तो हुई है मेरे साथ। जैसा कि ये इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले मैंने आपके बात की थी, जब मैं आपसे बहुत पहले मैंने आपको देखा था, मैंने आपको देखा था वर्सोवा में, एंड 2011 की बात कर रहे हो आप, 2011 में, हाँ, तब की आलिया में, आज की आलिया में कितना बदलाव आ गया है, एंड वो तो आप बताएंगे, उस टाइम आपने देखा था मुझे और आज अभी देख रहे हो आप, तो आई थिंक वो बेटर बता हो सकते हो आप मुझे। हाँ, मेरा नेचर ऐसे ही है, मैं जल्दी खुलती नहीं हूँ लोगों के सामने, बट खुलती हूँ तो बहुत अच्छा खुलती हूँ, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं, चुनिंदा लोग हैं जिनके साथ मेरी हर तरफ से बात होती है, मस्ती मजाक जो भी लेवल पे होते हर तरफ से बात होती है, बट जिसके साथ मुझे लगता है यार मैं जिसको जानती नहीं हूँ तो मेरा है वो थोड़ा रिजर्व रहती हूँ मैं उसके लिए। So, acting में like किस तरह के रोल, किस तरह के किरदार में देखेंगे हम आपको, कि इस तरह का किरदार आगे जी करना चाहती हैं, कोई ड्रीम रोल है आपका या फिर किसी ड्रीम हीरो के साथ में काम करना है आपका? देखिए इतनी बड़ी एक्टर तो अभी बनी नहीं हूँ ना, मेरा ऐसा कुछ मैं आई विश कि ऐसा हो, बट रियलिटी की बात करूं तो अभी सच्चाई ये कि मैं शुरुआत कर रही हूं, तो मेरी कोई चॉइस ऐसी नहीं है, इस वक्त मुझे ज़रूरत है काम करना है, अपने अपने आप को सर्वाइव करना है, एक अच्छी जगह पर जाना है, तो इस वक्त जो भी काम मिलेगा मेरे सर आँखों पर, और उस वक्त भी मुझे मिलेगा जब मैं बड़ी बनूंगी तो भी सर आँखों पर, अच्छा काम करना है, एटलीस्ट रह पाऊँगा, मतलब लोगों को बता पाऊँ कि यू नो एक ये भी मेरा एक साइड है जो शायद उन्होंने नहीं देखा है। फेवरेट हीरो कैसे, एक्टिंग में बोल रहे हो या स्टारडम में बोल रहे हो आप? एक्टिंग एंड स्टारडम बोथ, आप दोनों बता सकते हैं। एक्टिंग में जिसको जो आपको लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया नेचुरल एक्टिंग करते हैं। नेचुरल एक्टर ऑफ कोर्स इस टाइम तो देखो नवाज ही है बहुत बड़ा, जो सच्चाई तो है इसमें तो नहीं बोल सकती झूठ में कोई भी चीज है, एक्टर उससे बड़ा एक्टर तो अभी कोई नहीं है हिंदुस्तान में। या सारी दुनिया जानती है आपका और उनका सेपरेशन के बारे में, तो ये प्रोसेस अभी और कितना कब तक ये हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, खत्म बहुत जल्दी, तो कोर्ट से मतलब कोर्ट का बस वेट कर रहे हैं, जैसे पेपरों में हम अलग हो गए और उसके बाद फिर मैं अपना नाम भी चेंज करूंगी, फिर जो भी चीज़ें हैं बच्चों के साथ तो हम दोनों माँ बाप रहेंगे, फिर अपना काम तो शुरू कर ही लिया है, बहुत जल्दी हो जाएगी ये सारी चीज़ें खत्म। आलिया नाम भी आप चेंज करेंगे? नहीं, आलिया आनंद किशोर पांडे के डैडी का नाम, okay. आलिया रहेगा, ताम्र रहेगा अब। हमारी इंडस्ट्री में और एक आलिया है, आलिया भट्ट जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे आलिया एंड आलिया? तो नहीं नहीं शक्लें थोड़ी इतनी, शक्लें तो हैं, जब आलिया भट्ट के नाम से आलिया जी को जानते, इतनी फेमस तो पता नहीं मैं होना नहीं होना वो तो वक्त की बात है इंशाल्लाह, बट यू नेवर नो ना चीजें, इस चीज को तो मैं नहीं सोचती हूँ इतना ज्यादा, क्योंकि वो ये सवाल इसलिए था क्योंकि कियारा का नाम भी आलिया था तो उन्होंने अपना नाम कियारा किया, देन नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं मुझे नहीं लगता। सो उनकी फिल्म आई है अभी तो देखी आपने? नवाज की फिल्म नहीं देखा, मैं देखूंगी जरूर जाके देखूंगी, क्योंकि वो मेरे जो डायरेक्टर वो मेरी होलिकाओं के भी डायरेक्टर है, सो साई कबीर मेरा फ्रेंड भी है, सो उसकी फिल्म तो जरूर देखूंगी मैं। ट्रेलर देखा होगा साथ आपने? ट्रेलर देखा मैंने, हाँ जी, अच्छा ट्रेलर है। या आई डोंट नो, फिल्म तो मैं नहीं जानती। ऐसा मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि कुछ उनसे डिमांड रखती हैं आप नवाजुद्दीन से, आपकी तरफ से ऐसी कुछ डिमांड है कोर्ट का जो भी है, वो जो भी कोर्ट जो भी कहे आपके दिल से? हाँ है, ऑफ कोर्स है, मैंने बोला उनको मुझे एक घर चाहिए बस, जो मेरी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे कमिटमेंट है लोगों को कुछ पेमेंट मुझे क्लियर करना, वो घर मेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे अपना घर का सेलिंग करके मुझे कुछ पेमेंट है जो क्लियर करना है, जो पेंडिंग है, जो लोगों की जिम्मेदारी है जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करके होलिकाओं को कंप्लीट करवाया है, सो वो मेरा अपना है, वो सब करना है मुझे लाइफ में, बाकी मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा है और ना मैं कुछ मांगूंगी ना मुझे कुछ चाहिए है, आई एम हैप्पी, मैं खुद अपनी जगह बना लूंगी, अच्छे फादर हैं वो, बहुत अच्छी लाइफ दे रहे हैं बच्चों को, इसमें कोई शक नहीं है, बेस्ट लाइफ दे रहे हैं, जितना एक बेस्ट फादर दे सकते हैं अपनी लाइफ में उससे बेस्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए फिलहाल, तो इसमें कोई शक नहीं है, बट कुछ वक्त था ऐसा जो मेरी प्रॉब्लम आई थी जिस वक्त 3 महीने में जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम आई वो अलग एक सिचुएशन थी, उसके अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छे फादर हैं।
या जब आपने उनसे ये डिमांड की कि मुझे एक घर चाहिए मेरे लिए नहीं बहुत सारी चीजें, तो उनका क्या रिप्लाई आया कि लाइक उन्होंने मुझे बोला ये बात कि हाँ ठीक है वो घर तो आप अपने नाम पे ही ले लो क्योंकि आपके मेरे नाम पे ही है, वो घर तो मुझे देने के लिए रेडी है, बट आप जब तक पन्नों में नहीं आ जाएगा तो क्या बोलूं मैं, ये बात भी सही है, तो रियलिटी में जीती हूँ मैं, फैंटेसी सॉरी नहीं आप बोल सकते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो उनका मतलब ऐसे सेपरेशन होने के बाद फिर वो फिर कुछ सालों के बाद वो एक हो जाते हैं, मतलब जैसे कि आपने कागज पर एक नहीं होते लेकिन वो छुप छुप कर मिलते हैं, लाइक इंडिया में ना मिले इंडिया के बाहर मिले, तो यही मेरा आखिरी सवाल था कि आप अभी ऑफिशियल आपका और उनका जैसे कि डिवोर्स नहीं हुआ है, तो ऐसी कोई ऐसी उम्मीदें हैं कि आप लोग फिर से मिल सकते हैं? एंड ये सवाल उनसे भी था लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है, आप हैं तो आप ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे भी हैं, वो बच्चों को बहुत प्यार देते हैं, तो आई थिंक आपको भी जैसे क्योंकि हस्बैंड वाइफ में ऐसा होता है फिर वो पिछड़ते हैं फिर मिलते हैं, तो ऐसा कुछ आप? नहीं, मेरा ये कि जिससे मैं मोहब्बत हो गई ना तो फिर मैं मोहब्बत करती हूँ, और दिल हट गया ना मेरा एक बार तो मैं पीछे नहीं मुड़ती हूँ। या सो मैंने एक चीज बोला था कि 30 साल हो गए थे मैंने किसी से राखी नहीं बनाया, सो मेरे कुछ भाई लोग की वजह से कुछ वो भाई नहीं बोल सकते, उनके दिल में एक अलग सी जगह थी मेरे लिए, वो बोलते हैं ना कुछ लोग की मति भ्रष्ट हो जाती है, सो मुझे वो भाई वाली फीलिंग्स कभी नहीं लगी किसी भाई में। सो एक भाई थे मेरी, उनकी डेथ हो गई है, और उसके अलावा मैंने कभी किसी को, तो मेरे भाई हैं आज भी सब जिंदा भी हैं कुछ भाई, सो उनमें आज तक मैंने किसी को राखी नहीं बांधा, जिससे मेरा रिश्ता खत्म हो जाता ना तो मैं कभी पलटती नहीं हूँ। सो खत्म मतलब खत्म मेरी लाइफ में, और अव्वल तो खत्म होता ही नहीं है, रिश्ते मेरे बहुत लंबे वक्त तक रहते हैं, बट एक बार खत्म हो गया फिर मैं मुड़ती नहीं हूँ। इंडिया में तो रिश्ते खत्म नहीं होते, लेकिन आप बहुत ही मैं वह हूँ, मैं प्रैक्टिकल भी हूँ इमोशनल भी हूँ, मतलब एक बार सोच लिया तो खत्म। अच्छा मेरे दिमाग में नहीं है तो उससे क्या होगा, वो आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो आप कोई और है आपकी लाइफ में? नहीं अभी तो फिलहाल एक जरूरत है लाइफ में, एक पार्टनर की जरूरत होती है, वो है ऑफ कोर्स है, यस 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 ऑफ कोर्स मुझे चाहिए, प्यार चाहिए, और किस लड़की को प्यार नहीं चाहिए, हर किसी को प्यार चाहिए, और मैं यदि ये बात पब्लिकली बोल रही हूँ तो है जरूरत है, कुछ लोग नहीं बोलते हैं कुछ बोलते हैं, मुझे भी जरूरत है, एक आदमी की जरूरत है मुझे अपनी लाइफ में जो मुझसे केयर करे, मुझसे बात करे, नॉट फाइनेंशियली, मैं खुद खड़ी हो जाऊंगी, जब मैंने इतना बड़ा आदमी छोड़ दिया तो मुझे किसी से उम्मीद नहीं है इस चीज में, हाय प्यार की तो बहुत जरूरत है मुझे कि कोई मुझे बोले आई मिस यू बेबी। फिलहाल तो एक ही है जो अभी आपको मैंने बताया, इटली से हैं, वो इंजीनियर है, आईटी के बंदे हैं, सो खुश हूँ उनके साथ, आगे का आगे देखेंगे। चलिए आई विश कि आपके बहुत सारे फिल्में आए, बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, एंड आपकी लाइफ जिसके साथ भी आप खुश रहें उनके साथ रहें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।